साबका कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी अज खेतीबाड़ी कानून के विरोध में हिस्सा लैण लई पंजाब विच तीन दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने पंजाब के मोगा जिले में किसानी बचाओ पंजाब बचाओ ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की। इस मौके राहुल ने वड्डा ऐलान करदिआं किसानां नाल वादा किया कि सत्ता विच आउण ते इह कानून रद्द किया जाएगा और डस्टबिन विच सुट दिता जाएगा। इस दे नाल ही उन्होंने किसानां नाल डट के खड़े होने का ऐलान करदिआं कहा कि कांग्रेस एक इंच भी पिछा नहीं हटेगी। छह साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और छह साल से ये सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर आक्रमण कर लिया। आपको याद होगा एक दिन 8 बजे रात को अचानक नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आए, कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं, नोटबंदी कर दी। पूरे देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर बैंक के सामने खड़े हो गए। आपने अपना पैसा बैंक में डाला, लाइन में एक अरबपति नहीं खड़ा था। लाइन में ना अदानी जी थे ना अंबानी जी थे, लाइन में सिर्फ गरीब जनता थी, किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे। आपने अपना पैसा बैंक में डाला और आपके पैसे से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। काला धन खत्म नहीं हुआ मगर लाखों करोड़ रुपए आपके जेब में से उनकी जेब में गए। उसके बाद 12 बजे रात को नरेंद्र मोदी कहते हैं क्रांतिकारी कानून आ रहा है, जीएसटी लागू होगी, किसको फायदा मिला? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को फायदा मिला। किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, किसी भी छोटे बिजनेस वाले के पास चले जाइए, उसे पूछिए, आपको बताएगा आज तक हमें जीएसटी भरनी नहीं आती, हमें यह नहीं समझ आया कितने टैक्स हैं, कौन से फॉर्म भरने हैं। लाखों छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस बंद हो गए। उसके बाद कोरोना, आपने टीवी पे देखा लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर चल रहे हैं। पीने का पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला मगर चलते जा रहे हैं। हमने एक बार नहीं अनेक बार नरेंद्र मोदी जी से कहा इनकी मदद कीजिए, इनके बैंक में पैसा डालिए, छोटे दुकानदारों की मदद कीजिए, मिडिल साइज स्मॉल इंडस्ट्री की मदद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया और फिर एकदम सबसे अमीर लोगों का टैक्स माफ किया और उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाला, हजारों करोड़ रुपए। ये हो क्या रहा है? रोजगार छोटे बिजनेस वाले देते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले देते हैं, भोजन किसान और मजदूर देता है, मगर हिंदुस्तान की सरकार पूरा का पूरा फायदा हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है। 10-15 को छोड़िए, आजकल तो सिर्फ 2 है, आजकल 10-15 भी नहीं है, आजकल सिर्फ 2 है, अदानी और अंबानी।
नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं, टीवी पे उनको उनका चेहरा दिखाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के लिए रास्ता साफ करते हैं। किसी ने कहा पिछली मीटिंग में कहा नरेंद्र मोदी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अंबानी और अदानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए काम करते हैं, ये ऑर्डर देते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं। और अब कोरोना के समय जब किसान सबसे मुश्किल दौर से निकल रहा है, किसी का भाई बीमार, किसी के माता पिता बीमार, नरेंद्र मोदी कहते हैं अब हम किसानों को खत्म करने के 3 नए कानून लाए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एमएसपी के बिना किसान, पंजाब का किसान जी सकता है क्या, जिंदा रह सकता है? पूरा देश जानता है कि एमएसपी के बिना पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान बच नहीं सकता। मोदी जी कहते हैं मंडी की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि सिस्टम में कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के सिस्टम में कमी नहीं है, मगर सिस्टम को नष्ट नहीं करा जा सकता है। अगर आप सिस्टम को नष्ट कर देंगे किसान के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। सिस्टम को आपने बदलना है तो बदलिए, और मंडियां बनानी है तो बनाइए। आपको 10 किलोमीटर में मंडी डालनी डालिए, मगर किसान के पास ऑप्शन होना चाहिए, किसान के पास चॉइस होनी चाहिए। आज हम ट्रैक्टर में चले उसी सड़क पे किसान मंडी तक जाते हैं, वो सड़क किसने बनाई? क्या वो सड़क अदानी ने बनाई, अंबानी ने बनाई? नहीं, वो सड़क मंडी के टैक्स पैसे से बनी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच देगा, मंडी खत्म हो जाएगी, सड़क खत्म हो जाएगी। सड़क खत्म हो जाएगी तो किसान कैसे बेचेगा? क्या हवाई जहाज से जाके बेचेगा? तो आपके ऊपर आक्रमण, अमरिंदर सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कौन सी कुर्बानी पंजाब के लोगों ने हिंदुस्तान के लिए नहीं दी? हर युद्ध में आप खड़े रहे, आपने देश को भोजन दिया, फूड सिक्योरिटी दी, हरी क्रांति दी, आप देश की रीढ़ की हड्डी हो। नरेंद्र मोदी इस रीढ़ की हड्डी को क्यों तोड़ रहे हैं? 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों तोड़ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। ये जो ढांचा है कांग्रेस पार्टी ने बनाया, चाहे एमएसपी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, मनरेगा हो, ये पूरा का पूरा ढांचा हमने आपके लिए बनाया है, आपकी रक्षा के लिए बनाया है, और हम इनको इस ढांचे को तोड़ने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों को फायदा होगा, तो अगर किसानों को फायदा होगा तो पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब के किसान ने सड़कें क्यों बंद कर रखी है? पंजाब का किसान क्यों दुखी है? अगर किसानों को फायदा होता तो आपने पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन क्यों नहीं किया? आपने डिबेट क्यों नहीं होने दी? आपने हमें बोलने क्यों नहीं दिया? अगर किसानों को फायदा होता तो बोलने में क्या मुश्किल, पार्लियामेंट में डिबेट करने में क्या मुश्किल? आप जानते हो कि किसानों को नुकसान होगा, आप जानते हो कि आप हिंदुस्तान के, पंजाब के किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हो, इसलिए आपने डिबेट नहीं कराई, इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये आपके जो 3 कानून है नरेंद्र मोदी जी, इनको आप फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। और आप ये मत समझिए कि किसान का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का किसान लड़ेगा नहीं। आप ये मत सोचिए
कि इस देश का किसान कमजोर है। अब यह मत सोचिए कि इस देश का किसान डरता है। किसान से मजबूत इस देश में कुछ चीज नहीं है। आप रोजगार की बात करते हो, जब ये हजारों मंडी बंद होंगी, इसमें जो लोडर काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, वो कहां जाएंगे? लाखों लोगों को आप बेरोजगार कर रहे हो। एक तरफ आप कहते हो मेक इन इंडिया, एक तरफ आप कहते हो रोजगार दिलवाएंगे, दूसरी तरफ आप लाखों मंडियों में लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। झूठ बोलने की आदत है, जहां भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा, नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, किसानों को मैंने आजाद कर दिया, ऐसे देश नहीं चलता। और आपको हम समझा देंगे, कांग्रेस पार्टी और किसान मिलकर आपको किसान की शक्ति दिखाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आपने शायद पंजाब और हरियाणा के किसान की शक्ति नहीं समझी, अब हम आपको किसान और पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के किसान की शक्ति दिखाने जा रहे हैं। और मोदी जी, आप समझ जाइए, इस देश का किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है। आप गोली मारिए, लाठी चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको ये कानून लागू नहीं करने देंगे, हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और हम एक इंच पीछे नहीं हटने वाले। मैं दिल से पंजाब के किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, पंजाब के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप देश के रखवाले हो, आप देश की रक्षा करते हो, सीमाओं पे आप रक्षा करते हो, खेतों में आप रक्षा करते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी होगा हम आपके साथ खड़े हैं। हम नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ने देंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आओ सुनते हैं रैली विच आए किसानां दी गल। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने पंजाब मोर्चा खोल दिता। अब एक बहुत वड्डी रैली के रूप में जगह जगह बैनर लगे ने, किसान बचाओ पंजाब बचाओ। अब गल करेंगे किसानों नाल। अज इस रैली से जिहड़े कि खास करके कांग्रेस के सिपा सलार राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, और राहुल गांधी इस पंजाब की किसानों की आवाज बन के बोल रहे हैं। की कहना चाहते हैं? पहले किसानों की गल करेंगे। किसान विरोधी है की तुहाडा की विरोध करते ने इस ऑडियंस से, क्यों तुम खिलाफ हो? खिलाफ है जहां किसानी खत्म हो जाए, गरीब किसान मारा जाऊगा। हाँ जी, बेरोजगारी बढ़ जाने जी। हाँ जी, जब सिरा करता मोदी साहब ने तो जी पहला कहते अच्छे दिन आने वाले, अच्छा दिन पाया ही नहीं, माड़े दिन ही आया। किसानी खत्म हो जा रही है। किसानी खत्म हो जा रही? हाँ जी हाँ। किस तरह जी? आप भी हम मन में फसल ना चुकी किसी ने, अभी फसल किनू बेचा? जिहड़े वड्डे घराणे कॉमरेड आपणी मर्जी नाल चक्कणगे, एक दो साल तो चक लैणगे, बाकी फिर किधर नूं जावांगे? अक कहिंदा ते पैरां हिलाउणा पैणा सानूं। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ? ਅੱਜ ਕੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ बल्कि सारे देश के खिलाफ है, किसान वीर मजबूर कर दिया।
कांग्रेस के प्रधान श्री राहुल गांधी जी अगुवाई के थले समुची कांग्रेस पार्टी अब सड़कों के उत्ते धरने प्रदर्शन कर रही है। बहुत वही जी इतने हो रही है हाईकोर्ट के मोदी सरकार जरा हिलाएगी मोदी सरकार ने हर आए दिन कोई ना कोई नवा काला कानून जरा आप जारी किया और सत्ता ने नशे के चूर हुई मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन करांगे ई फार्मिंग करांगे बीज कांग्रेस का बोया होया हुण ड्रामा कर रही है कांग्रेस। सुखबीर बादल वड्डा गप्पी है बीबी बादल गल हो रही थी अज ड्रामा कर रहे की असि इन्हों गठबंधन तोड़िया पहले बीबी बादल को पूछा जाए बहुत फर्क है जिस वे ऑर्डिनेंस तैयार होते सुते सारा कुछ दुनिया जानती है झूठ हमें झूठ का पलंदा ने 2019 जो मैनीफेस्टो कांग्रेस का मेन मैनीफेस्टो जारी होया सी उदों वी इहदे विच लिखिया गया सी कि असीं एपीएमपी एक्ट जिहड़ा रद्द करांगे और मंडीकरण वी जिहड़ा है प्राइवेटाइजेशन करांगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के नाल खड़ी सी अज भी खड़ी है और कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ेगी इहदे लई चाहे सानूं दिल्ली जाके धरना लाउणा पवे उह वी लावांगे और मोदी सरकार दा तख्ता होवे। तुसीं दिल्ली दी गल कीती है लोकी भी इही कहिंदे ने विरोधी भी इही कहिंदे ने कि राहुल गांधी पंजाब च क्यों आ रहे हैं बल्कि पंजाब नूं दिल्ली लैके जांदे तां विरोधता हुंदी पंजाब विच तां तुहाडी सरकार है। देखो मेरी गल सुन पंजाब दे विच देश दा अन्नदाता किसान 70% किसान जिहड़ा पंजाब दे विच है और किसानां दी आवाज सुनण लई आए हैं उहनां दे हक्कां दी लड़ाई लड़न लई आए हैं और इहो साडे सारे किसान भी रल के असीं दिल्ली आके दिल्ली दा तख्त हिलावांगे। हाँ जी गल करते हैं एक होर किसान आगू ना उन्होंने इस रोस रैली क्यों धरना दिता और अब ट्रैक्टर रैली कड़ रहे हैं बारे भी गल करेंगे। मेरा नाम चरणजीत मलाडी जी अच्छा जी असि रायकोट हलका हलका रायकोट तो अभी बोल रहे हैं तो असी सरकार के नीतियों के बहुत धरना दिता जी किसान नीति जी मोदी सरकार लेके आई है असि उन्होंने बहुत बड़ा धरना दिता किसान मजदूर यह दोनों मारी मंडियां तोड़तियां बाहर सरकारी जिहड़ी
मर्जी ना फसल चकनी, जो मर्जी सामने मजबूर ने इन्हों फसल बेचनी पैनी है।